हेलो माय क्यूटीज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता ही है, करवा चौथ फेस्टिवल आ रहा है गाइज, जो कि हम सुहागनों के लिए बहुत ही खास होता है। और उसमें गाइज हमें अपने चेहरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब चमक वाला चाहिए होता है, और क्योंकि भैया ये हमारा ही त्यौहार होता है, तो अपने पतियों के लिए हमें तो ग्लो करना ही करना है। तो उसके लिए मैंने बहुत ही प्यारा सा घर का ही लाया है गाइज, होम रेमेडी, जो कि बहुत ही नेचुरल तरीके से घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाने वाले हैं हम। और उसमें क्या क्या बनाने वाले हैं आपको पता चल जाएगा वीडियो में आके। तो गई इसी तरह से आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और इसी तरह से अपना जैसे प्यार बनाया है बनाए रखिएगा गई। और ये बहुत पावरफुल फेस पैक होने वाला है गई, चूँकि ये हमारे जो है फेस को बिल्कुल सॉफ्ट, मुलायम और बिल्कुल ग्लोइंग देने वाला गई। जी मैंने नाइट में वीडियो बनाया तब भी कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है मेरा स्किन। तो हम इसे कैसे बनाते हैं चलते हैं वीडियो में आपको आगे दिखाते हैं। तो गई यहाँ मैंने जो है एलोवेरा लेट को कट कर लिया था अपने गार्डन से, उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया था दो तीन पानी से, क्योंकि बाहर रहता है गई तो धूल मिट्टी इस पर जमा हो जाता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता हमारे स्किन के लिए। तो इस तरह से गई मैंने साइडों का कट करके निकाल लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ चाकू के मदद से गए जो है स्केच करने की कोशिश की, पर लेट काफ़ी सॉफ्ट था, छोटे छोटे थोड़े थे इसलिए निकल नहीं पा रहा था, तो मैंने इस तरह से भी निकाल लिया। आप भी इसी तरह से निकाल सकते हैं गए, और आपको पता ही है गए कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए, और हम इसे खा भी सकते हैं गए, बहुत ही फ़ायदा करता है, और हमारे जो है फेस के लिए तो वरदान है ही, बालों के लिए भी वरदान ही है। हम इसे अपने शैम्पू में मिला सकते हैं गाइज, इसी तरह से एलोवेरा को निकाल के आप इसको जो है अच्छी तरह से ग्राइंड करके अपने शैम्पू में मिला सकते हैं, जो कि आपके बालों को काफ़ी शाइनिंग देगा गाइज, और जो है मॉइस्चर भी काफ़ी इसका होता है गाइज, स्मूथ रहता है, जिससे हमारा स्किन ड्राई है तो स्मूथ करने में काफ़ी मदद करता है, और सनबर्न को भी हटाता है, डार्क स्पॉट को भी हमारे जो है चेहरे से हटा देता है, जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह रहते हैं सब। आप अगर इसको मंथ भर करेंगे गाइज तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, हल्का हो जाता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा था बट अब नहीं है, क्योंकि मैं डेली बेसिक पे यूज करती हूँ। मैं बाहर का पतंजलि का भी यूज करती हूँ, पर ये घर में था तो मैंने यूज किया। और यहाँ बात करते हैं विटामिन ए कैप्सूल का गाइज, जिसमें भी काफ़ी गुण पाए जाते हैं आपको पता ही है, और इसके भी बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है गाइज, इससे भी लोग खाते भी हैं और बालों पर और चेहरों पर भी लगाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो कि हमारे चेहरे में एंटीएजिंग का काम करता है गाइज, और इससे जो है हमारा फेस बिल्कुल मुलायम रहता है, और शाइन तो इसका पूछिए मत गाइज, शाइन तो बहुत ही ज़्यादा करता है, क्योंकि इसका रिजल्ट अमेजिंग होता है, आप खुद ही देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा एलोवेरा मैंने डाला है तो कितना वो शाइन कर रहा है, ऊपर से उसके बूंदे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने मिक्स नहीं किया है, मिक्स नहीं किया तब भी इतना शाइन कर रहा है गाइज। और उसके बाद देख सकते हैं इसका जो है ऑयल गाइज काफ़ी हैवी होता है, जो कि हमारे बालों को झड़ने से काफ़ी मदद करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं गाइज तो आप जो भी ऑयल लगा रहे हो उसमें भी आप डाल के इसे लगा सकते हैं, और फेस में भी आप लगा सकते हैं, कभी भी आप मिल्क में डाल के या फिर बिहानी के साथ, जो भी आपका मर्जी करेगा जब आप लगा सकते हैं, सभी चीज़ों में से डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने गाइज राइस वाटर को देख लिया था, मैंने राइस वाटर को भी जो है 4 घंटे के लिए सोक करके रखा था, और धो के ही रखना गाइज, 3-4 पानी अच्छे से धुल के ही राइस को भिगोना, और उसके बाद 3-4 घंटे बाद ही मैंने उसका पानी ले लिया था, 4 स्पून मैंने लिया था यहाँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसका जो है पानी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से गाइज यहाँ मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स होने के बाद मैंने ट्रांसफ़र कर। तो आपके पास जो भी आई स्ट्रे हो गाइज आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मेरे पास ऐसा है तो मैंने इसमें 3 ही किया, क्योंकि बहुत लंबे बनते हैं, और गाइज देख सकते कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, तो हमारा तो हम लोग का फेस कितना शाइन करेगा गाइज। तो इस तरह से जो है सोचिए, मुझे भी लग रहा है कि अगर आप लोग इस जो है फॉलो करेंगे इस रेमेडी को तो आप लोग का भी स्किन चमक जाएगा। तो मैंने फ्रिज में रख दिया था गाइस, सेट हो गया था, पिछले 2 दिन से मैं भी कर रही थी, और मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ, क्योंकि एलोवेरा ख़राब भी हो जाता है तो इसे, लेकिन आप स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में, आपको हफ्ते में तो डेली ही करना है गाइस, सुबह शाम दोनों टाइम आपको करना है, तो आपको इसे टिश्यू लगा लेना गाइस, ताकि आपको तकलीफ ना हो, ये तो बहुत दिक्कत होती है। इस तरह से गाइज देख सकते हैं मैं अपना हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ इससे, और इतना ज़्यादा गाइज मुझे अच्छे से फीलिंग आ रही थी मैं आपको बता नहीं सकती,
और हैवी में भी लग रहा था, बिल्कुल आइस की तरह, मतलब पतला पतला सा पानी जैसा नहीं लग रहा था, काफ़ी हैवी में भी लग रहा था इसका लिक्विड। और इसके बाद मैंने 15 मिनट छोड़ा था तो मुझे काफ़ी टाइट भी लग रहा था। मैं 2 दिन से कर रही थी, तीसरे दिन मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर में करती हूँ, जो कि मुझे काफ़ी कोल्ड था। हस्बैंड बोल रहे थे नहीं मत लगा करो, नुकसान करता है, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं तो डेली डेली कोई ना कोई जो है आइस के साथ छेड़खानी करती रहती हूँ गाइस, कभी रोज के पत्ते तो कभी कुकम्बर, कुछ ना कुछ मतलब मैं करती रहती हूँ। मैंने बोला नहीं, मुझे तो आते थे मॉर्निंग करने का, मुझे इससे नहीं हुआ, बस मौसम बदल रहा है इसलिए हो गया है, काढ़ा वगैरह पीऊँगी तो ठीक हो जाएगा। तो गाइस यहाँ मैंने ऐसे हाथ लगाया तो काफ़ी मतलब ऐसे चिपचिपा चिपचिपा सा और था, फीलिंग बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो इसके बाद मैंने यहाँ मसाजर उठाया गाइस और मसाज किया, तो आपको सही डायरेक्शन से करना होता है गाइस, ताकि स्किन बिल्कुल जो है टाइट रहे और रेडनेस भी काफ़ी आ जाता है गाइस, जो हमारा लेजर द्वारा करवाते हैं उससे भी ज़्यादा हमारा साइन आ जाता है, जो लाखों हज़ारों लोग खर्चा करते हैं उससे तो बहुत ही बेटर है। अगर हम डेली करें तो अपने लिए टाइम निकालें, तो कितनी महिलाएं हैं जो अपने लिए टाइम ही नहीं निकालती गाइस, बट निकालना चाहिए। आपको इसे जो है बना लेना है, उसके बाद आपको नाइट में भी लगाना है और डे में भी, मॉर्निंग में भी मतलब लगाना है। आप लगा के हफ्ते भर में देखो, खुद ही आपको रिजल्ट मिलेगा, इतना जो है साइन करेगा आपका पूरा फेस गाइज, आप लोग का साइन ही साइन करेगा, क्योंकि मेरा भी देख रहे हैं ग्लो कर रहा है, तो मुझे सपोर्ट करिए, लव यू, बाय।